सिम्मी ने चलाई आसमां पर गोली, अनजान शख्स से भिड़ा अरमान, शो में हुए अरमान के दुश्मन की एंट्री। दोस्तों सीरियल उडारिया में आ रहे हैं ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अरमान आजमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि उनकी लाइफ में होगी न्यू एंट्री। आपको बता दें सिम्मी आजमा पर गोली चलाएगी, लेकिन अरमान थाली फेंक कर मारेगा और आजमा बच जाएगी, गोली थाली से टकरा जाएगी। ऐसे में अरमान एक अनजान शख्स से भिड़ता हुआ नजर आएगा और कहेगा तू कौन है और तू आजमा को क्यों मारना चाहता है। ऐसे में ये अनजान शख्स अरमान से ही भिड़ जाएगा और अरमान से लड़ने लगेगा और कहेगा मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तभी यहाँ पर हानिया और मेहरा जाएंगी, वो दोनों डर जाएंगी गोली की आवाज से, लेकिन अरमान और आजमा उन्हें चुप कराएंगे। आजमा उन्हें ले जाएगी तो अरमान कहेगा मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मैं तुझे क्यों मारना चाहूंगा, ये मेरा काम नहीं है। ऐसे में ये शख्स कहता है कि अभी तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, कभी बाहर मिलना तेरे सारे अरमान पूरे कर दूंगा। आपको बता दें ये शख्स एक रैपर है और इसे गलतफहमी हो चुकी है कि अरमान आजमा मिलकर इसे मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ सिम्मी चल रही है चाल और कर रही है आजमा पर हमला। अब कौन है ये शख्स, क्या ये सिम्मी से मिला हुआ है और अरमान आजमा के सामने नाटक कर रहा है, क्या ये भी अरमान आजमा की जान लेना चाहता है या फिर ये वाकई इन सब चीजों से है अनजान। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा अरमान आजमा आएंगे बेहद करीब, दोनों का रोमांस हमें देखने को मिलेगा। आलिया इस वक्त हॉस्पिटल में है और अपने पापों की सजा भुगत रही है। आलिया के पैरों में काफी ज्यादा जख्म लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा क्या आलिया ने ही ये सब किया है और क्या आलिया ने सिम्मी और इस शख्स को भेजा है अरमान आजमा से बदला लेने के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अरमान और आजमा के रोमांस को देखने के लिए आप है कितने एक्साइटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और टेलीविजन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट, चटपटी गॉसिप्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।